आपने अभी देखा, हमने पहले दिखाया आपको पहला गेट, फिलहाल ही हम आ चुके हैं दूसरे गेट पर, और इस गेट की डिस्टेंस उस गेट से लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो मस्तराम की कुटी जिसे बोलते हैं उससे 100 मीटर आगे आपका गेट पड़ता है, और देख सकते हैं एक बार कितनी हरियाली है यहाँ पर, और इस पर लिखा हुआ गेट पर कार्तिक पूर्णिमा मेला में जिला पंचायत आपका हार्दिक स्वागत करती है, और ऊपर भगवान जी की इतनी प्यारी तस्वीर लगाई गई है। तो चलिए अब गंगा जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर इस टाइम क्या क्या तैयारी हो चुकी है, तो चलिए आगे चलते हैं। जब आप यहाँ सीधे पक्के रास्ते से सीधा आएंगे तो इधर आपको दिखेगा कच्चा रास्ता, बिल्कुल सामने की तरफ ही है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी है गढ़ गंगा स्नान घाट इधर है, गंगा धाम लठीरा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब आगे चलते हैं गंगा घाट की तरफ और देखते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, वीडियो में बने रह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर की थार, लोग यहाँ पर ऑफ रोडिंग करने भी आए हुए हैं थार लेकर, देख सकते हैं बिल्कुल खेत खाली मिलेंगे आपको, और गंगा जी की तरफ बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाएंगे सीधे ही। जब आप आगे की तरफ आएंगे गंगा जी की तरफ में मतलब बढ़ेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला गेट बन रहा है इधर और एक गेट बनेगा इधर, अभी इन्हीं गेटों के थ्रू हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। इस टाइम मेले की पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, झूले वगैरह देखते हैं, झूला तो यहाँ पर तैयार भी होने वाला है, आपको डेली का अपडेट हम देते रहेंगे, जो भी झूले में डेली होता रहेगा हम आपको सब दिखाते रहेंगे मेले में क्या डेली हो रहा है, नहीं नहीं जब तक मेला लगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पर देख सकते हैं कुछ मतलब स्टॉल वगैरह भी लगने शुरू हो गए हैं इधर, आनंद का स्टॉल पूरा तैयार होने वाला है बस इधर, हरे गंगा टेंट हाउस और मतलब बहुत सारे स्टॉल लग के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। डेली अपडेट मिलती रहेगी आपको क्या क्या इस मेले में नया नया जुड़ता रहेगा, आपको शाम को वीडियो डेली मिलती रहेगी। दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट से पहली ऑर्डर आ जाते हैं कि खेत को इतनी तारीख तक खाली कर दिया जाए, बिल्कुल मेले लगने से पहले बिल्कुल खाली चाहिए गवर्नमेंट को खेत, प्रशासन पूरा सख्त हो जाता है। सामने देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है और मिट्टी वगैरह, और वो जो उधर मशीन है वो मेरी थोड़ा समझ से बाहर है, ये थोड़ा मिट्टी को फैलाने का ऐसा मुझे लग रहा है, और इधर आपका चला रोड रोलर वो जो कि मिट्टी को पूरा अच्छी तरह से इकसार कर रहा है, देख सकते हैं ये मिट्टी फैलाई फिर उसने मतलब फैला दी, फिर वो रोड रोलर उधर से इकसार करता हुआ ला रहा है, टैंकर मतलब रोड पर पानी डालने के लिए घूम रहा है रोड पर, देखो ये डाल रहा पानी, अगर आपको दिख रहा हो वैसे दिखेगा नहीं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर पानी डालता है इस पर, डेली का काम है इसका, ये जिला पंचायत हापुड़ का है टैंकर। इधर जो गढ़ के SDM में यहाँ पर डेली चक्कर लगाते हैं कि सही से व्यवस्था चल रही है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, डेली SDM की गाड़ी चक्कर मारने आती है सुबह शाम, मतलब पूरा अच्छे प्रशासन पूरा स्ट्रिक्ट होता है इस टाइम पर, हर तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, देख सकते हैं अग्निशमन वाहन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इधर बिल्कुल मेले का एंड वाले गेट हैं यहाँ पर, मतलब बिल्कुल एंड है जहाँ मेले का वो वाले गेट हैं ये, इधर देख सकते हैं पुलिस वाले आ चुके हैं बहुत, अभी तो कम है 10,000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों की सेना यहाँ पर तैनात की जाती है, पूरी अच्छी तरह से पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब थोड़ा बदतमीजी करते हैं, तो इस वजह से पूरे अच्छे तरीके से प्रशासन इस मेले को कराता है। यहाँ पर गढ़ की सबसे प्रसिद्ध जो चटाई वगैरह और मूढ़े वगैरह हैं उनका भी मेला यहाँ पर लगता है, वो भी यहाँ पर मेले में आपको मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, देख सकते हैं अभी से फिलहाल आ चुकी हैं चटाई, कुछ चटाई अब कुछ टाइम बाद मूढ़े वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर डेली बड़े बड़े नेता और मतलब बहुत सारे लोग SDM DM डेली चक्कर लगाते हैं कि मतलब अच्छे तरीके से काम हो रहा है, क्षेत्र के आसपास के जितने विधायक वगैरह हैं सब यहाँ पर चक्कर लगाते हैं कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, ब्लॉक प्रमुख हो कोई भी हो मतलब प्रशासन पूरी तरीके से कार्य करता है अच्छी तरह से, कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, कितनी सी कोई दिक्कत ना हो काम बेहतरीन तरीके से किया जाए। भाइयों जो भी ऐसे काम को इतने पवित्र स्थल पर आकर करते हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कृपया ऐसे कामों को ना करें, देख सकते हैं यहाँ पर बियर वगैरह दारू वगैरह की कैन वगैरह पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं भैया हाथ जोड़ के विनती है ऐसे पवित्र स्थल पर इन कामों को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंगा जी की बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी जाती है देख सकते हैं दूर दूर तक, तो भैया ऐसे काम करने क्यों है, करना है तो यहाँ आते ही क्यों आप लोग, अपने घर रहो करो खूब करो, पर यहाँ ऐसे पवित्र स्थल पर ना करें, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती फिर से करता हूँ। पर ये मुख्य स्नान घाट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ ही लोग नहा रहे हैं क्योंकि अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ है, अरे बहुत ही शुरू इनिशियल डे अभी तो अच्छे से स्टार्ट किया, मतलब स्टॉल वगैरह भी प्रॉपर नहीं लगे देख सकते अभी लगने शुरू हुए हैं। गोपाष्टमी जो कि 1 नवंबर को है 2022 में, उस दिन से मेला स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर, मतलब लोग आने शुरू होते हैं यहाँ पर डेरा वगैरह डाल के मतलब टेंट वगैरह लगा के रहते हैं और अपना एंजॉय करते हैं पूरे अच्छे तरीके से,
और इधर लगे हुए हैं PSC वगैरह के कैंप, जो कि पहले ही आ चुकी है, एक दो दिन पहले से ही यहाँ पर स्टे कर रही हैं। और पूरा प्रशासन 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर सेफ्टी के लिए प्रोवाइड कराता है कि मेले में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी भाइयों को ना हो और कुछ भी अनहोनी ना हो, तो उसके लिए कराए जाते हैं 10,000 से भी अधिक पुलिसकर्मी, बहुत ज़्यादा होते हैं। और लाखों श्रद्धालु यहाँ इस मेले में हर बार रहने, मतलब इन्जॉय करने आते हैं इस मेले को। गोपाष्टमी 1 तारीख को शुरू होता है मेला, और जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेन मेला लगता है 8 तारीख को, 8 नवंबर को मेन मेला लगेगा। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग और बहुत ज़्यादा आते हैं, नहाकर अपने घर जाते हैं। 8 तारीख के बाद मेला उजड़ना शुरू हो जाता है, मतलब हटना शुरू हो जाता है, लोग अपने घर जाना शुरू हो जाते हैं। आपको पल टू पल की, मतलब डे टू डे की अपडेट हम देते रहेंगे, आप चैनल पर बने रहें। और देख सकते हैं यहाँ पर गंगा जी का जो घाट है, कितना सुंदर घाट है यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल में ये बोट है, कुछ टाइम बाद बहुत सारी बोट आ जाती है यहाँ पर, मोटर बोट वगैरह भी, लोग घूमते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं मेले को अच्छी तरह से, मतलब सब कुछ देखते हैं, घूमते हैं, रहते हैं यहीं पर। मेरे कुछ भाइयों से गुजारिश है, जैसे लोग आते हैं यहाँ पर तो गंदगी, मतलब यहाँ इधर उधर ना फैलाएं, अपने टेंट वगैरह में ही रखें। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के आपसे, और जो मैंने आपको पहले दिखाया कि लोगों ने यहाँ बियर दारू, ऐसे पवित्र स्थान पर आकर इन कामों को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने घर करें जो करना है, और जो करता है भैया बस हाथ जुड़वाओ उनसे, तो खैर क्या ही कह सकते हैं उन्हें, इतने पवित्र स्थान पर भी इतना गंदा काम करते हैं, उन लोगों पर तो थू है। मुझे कुछ ऐसी न्यूज़ आई है कि मतलब जो यहाँ पर एक पशुओं का मेला भी लगता है, कि इस बार जो लंपी है आपकी बीमारी पशुओं में चल रही है, उसकी वजह से वो मेला ना लगे। बाकी आपको डे टू डे अपडेट दे रहेंगे कि लगेगा नहीं लगेगा। बाकी लोग आते हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी वैसा बुग्गी से रहने यहाँ पर, डेरे डालकर मतलब कैंप लगा कर रहते हैं, मस्त इन्जॉय करते हैं, पूरा खेती है, जंगल है यहाँ पर, तो मतलब अच्छी तरह से एडवेंचर करते हैं यहाँ पर गंगा जी में, अपने स्नान करते हैं और अपने पाप धोते हैं। गंगा जी की बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है कि जो गंगा जी में नहाता है वो पाप मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जो भाई मतलब मेले में आने के इच्छुक हों और घूमना चाहते हों मेले को, और कोई भी दिक्कत परेशानी मेले में आ रही हो, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम अच्छे से उन्हें बताएंगे, समझाएंगे क्या कैसे सब कुछ, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, और आएँ अच्छे से मतलब इंजॉय करें पूरे मेले को। बहुत लोग, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, लाखों श्रद्धालु आते हैं जो कि गंगा जी में नहाने आते हैं। ये मेला साल में एक बार लगता है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मानने जाने वाला मेला है, मिनी कुंभ मेला भी इसे कहा जाता है। अभी तो आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है, या फिर मतलब स्टोर लगते हुए या टेंट वगैरह लगते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप डेली देखते रहेंगे वीडियो में, बने रहना डेली, हम आपको डेली शाम को वीडियो दिखाया करेंगे यहाँ के मेले की, डेली देखना, मतलब ये जगह घिरती चली जाएगी, और एंड वाले दिन देखना कितनी भीड़ होगी, हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो में बने रहना ऐसे ही। यहाँ पर गढ़गंगा मेले में जो पुलिसकर्मी हमारे भाई आए हुए हैं, अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं यहाँ पे इतना खास, तो इस वजह से उनका भी अच्छे से टाइम नहीं कट पा रहा, तो वो अपने वॉलीबॉल खेल के अपने मज़े में मस्ती से टाइम काट रहे हैं यहाँ पर, शांति से बिल्कुल अपने पुलिस वाले भाई मज़े ले रहे हैं, मतलब मेले के पूरे देख सकते हैं। ये जो बिल्कुल एंड में आपको यहाँ पर ये बिल्कुल बूढ़े अंकल जी हैं, जो कि इन जवान जो सारे पुलिसकर्मी हैं उनके साथ खेल रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं वो भी पूरे मेले को, देखो पूरा बढ़िया तरीके से वो भी अपने परफॉर्म कर रहे हैं। स्वराज 735 पर जो यहाँ पर मेले में अपना स्टॉल लगाएंगे मतलब सामान वगैरह का, भाई देख सकते हैं कितना सामान भर के लाए हैं स्वराज 735 पर, या मेले में अपना स्टॉल वगैरह जिस चीज़ का भी लगाएंगे उसके लिए सारा सामान लेकर आए हैं 735। आपको यो जब आप स्नान करने के बाद अपने घर की तरफ वापस लौटेंगे, तो आधी बार तो ये पड़ेगा आपका दूसरा गेट, ज्यादा बार ये पड़ेगा पहला गेट, उस पर लिखा होगा कार्तिक पूर्णिमा मेले में पधारने के लिए धन्यवाद जिला पंचायत हापुड़। जब आप स्नान करने के बाद वापस लौटेंगे घर की तरफ, तो जो आपको गेट पहला पड़ा था वो जाती बार पड़ेगा दूसरा गेट, और उस पर दूसरी तरफ से लिखा हुआ है पुनः आगमन की प्रतीक्षा में जिला पंचायत हापुड़, और हम भी आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे कि कब आप लोग मेले में फिर से आएँ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और डेली आपको गंगा मेले की शाम के टाइम वीडियो मिला करेंगे चैनल पर, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।